वही महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों और रेप जैसी घटनाओं को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने कड़ा कदम उठाया है। बता दें महाराष्ट्र कैबिनेट ने शक्ति एक्ट के मसौदे को मंजूरी दे दी है। रिपोर्ट देखिए। महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों और रेप जैसी घटनाओं को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। बता दें महाराष्ट्र कैबिनेट ने शक्ति एक्ट के मसौदे को मंजूरी दी है, जिसमें रेप के लिए मृत्युदंड की सजा है। वहीं अब ड्राफ्ट को महाराष्ट्र विधानसभा में पेश किया जाएगा। वहीं गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कैबिनेट बैठक के बाद कहा कि मंत्रिमंडल ने यहां एक बैठक में शक्ति एक्ट विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक में दोषी पाए जाने पर आरोपी को मृत्युदंड, आजीवन कारावास और भारी जुर्माना समेत कड़ी सजा और जुर्माने की व्यवस्था की गई है। इस अधिनियम में प्लास्टिक सर्जरी और चेहरे के पुनर्निर्माण के लिए एसिड अटैक पीड़िता को 10 लाख रुपए की राशि दी जाएगी और दोषी से जुर्माना भी वसूला जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस अधिनियम में रेप के मामलों की सुनवाई विशेष कोर्ट में होगी और पुलिस को 15 दिनों में चार्जशीट भी दाखिल करनी होगी। इस तरह के मामलों में अधिकतम 30 दिनों में ट्रायल पूरा करना होगा। राज्य की महिला और बाल विकास मंत्री यशोमती ठाकुर ने इसे ऐतिहासिक फैसला बताया है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से राज्य में महिलाओं बच्चों पर हिंसा करने वालों में डर बढ़ेगा। वही अनिल देशमुख ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा का 2 दिवसीय शीतकालीन सत्र 14 दिसंबर से मुंबई में शुरू हो रहा है। इस शक्ति एक्ट विधेयक को इस शीतकालीन सत्र में राज्य विधानमंडल में पेश किया जाएगा। विधानमंडल के दोनों भवनों में चर्चा और अनुमोदन के बाद इसे हस्ताक्षर के लिए राज्यपाल को भेजा जाएगा। वहां से मंजूरी मिलने पर इस कानून को शक्ति अधिनियम कहा जाएगा। अनिल देशमुख ने यह भी कहा कि यह अधिनियम महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा करने वाला साबित होगा। स्पेशल डेस्क आर्या न्यूज़।